नमस्कार दोस्तों, सीएससी फेरी हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको डीजीपे 3.0 को कैसे इंस्टॉल करें या कैसे स्थापित करें। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, डीजीपे 3.0 आ चुका है, उसका पैकेज ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और रजिस्टर करना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम रजिस्टर करेंगे और क्या क्या समस्याएं आती है और कैसे करते हैं उसका समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सेट बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डोमेन आपको पता ही होगा, dgpay.cseCloud.in। ठीक है, यहाँ पे जाके डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ DGPay 3.0। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक डाउनलोड फाइल ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है आपका डीजीपे वर्जन 3.0। ठीक है, और साइज वो 2.0 जो था वही है, 3.6 MB, अच्छा 36 MB। अब आप क्लिक करना है ओके। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिर आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको आईडी सर्विस को एक्टिवेट कर लेनी है। तो मैं बायोमेट्रिक डिवाइस को प्लग इन कर दे रहा हूँ, मेरा मॉर्फो का डिवाइस है, तो ड्राइवर अभी फटाफट से ले लेगा। अगर यहाँ पे खुद से नहीं ले तो आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाके अपने कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और सर्विसेज में जाके आपको आईडी सर्विस को एक्टिवेट करनी है, रिस्टार्ट कर देना है। तो एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि जब इंस्टॉल कर रहे हो तो पुराना कोई डीजीपे का पुराना वर्जन आपको मशीन में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे अनइंस्टॉल कर दे, तब ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको समस्या कुछ आ सकती है। तो मैं इसे कर दे रहा हूँ रिस्टार्ट। और मॉर्फो के क्षेत्र में अगर आप मॉर्फो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे आपके पास दो मैसेज आएगा। ठीक है, आपके पास ये आएगा, एक सर्वर चेक ओके और दूसरा अपडेट का आएगा। अगर ये दोनों नहीं आता है तो समझिए कोई दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ठीक नहीं है आपका। आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। देखिए की रोटेशन हैज बिन डन सक्सेसफुल ओके, अपडेट फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुल ओके। तो मेरा आरडी जो है रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, इसे इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के लिए सेटअप पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दे। अब डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना बेटर होगा। देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, फिनिश। अब ये सॉफ्टवेयर को एक बार आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दे पहली बार। तो ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए मैं मशीन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने मशीन को रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट करने के बाद अब डीजीपी पे जैसे डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे को एक एरर आ रहा है और ये है वो एरर जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है वो एरर। ठीक है, फेल टू डिकोड रिक्वेस्टेड डेटा। ठीक है, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ पे ये डीजीपे का नया सॉफ्टवेयर जो है अभी चालू नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि कल से ये चालू होगा इसलिए आज ये नहीं चल रहा हो, लेकिन मेरे पास ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही संभव होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप उससे पहले इसका समाधान कर पा रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे और दूसरे VLE को कुछ हेल्प मिल पाए, मदद मिल पाए और डीजीपे अपना रन कर पाए। तो मैं तो रन नहीं करा पाया, आप आगे कोशिश करके देख लें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।